हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे लर्निंग टेक्निकल 777 पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे किसी किसी प्रोफाइल के सामने ब्लू टिक क्यों लगा होता है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर के आपके नाम के सामने ब्लू टिक क्यों नहीं लगा होता है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ भी बताने से पहले मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, कि आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जिनको ये चीज़ नहीं आती है, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और मेरी तरफ से आपके लिए आने वाली वीडियोस में एक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपको बस इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि किसी भी, जिसे मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूँगा। चलिए मैं आपको इंस्टाग्राम पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन प्रोफाइल को इंस्टाग्राम को ओपन किया और किसी भी उसमें बंदे की प्रोफाइल को आप देख सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे मान लीजिए हमारे पास कार्तिक आर्यन की ये एक प्रोफाइल है। जिनमें इनको क्लिक किया तो ये इनकी पूरी प्रोफाइल खुल के आ गई। और इसमें देख सकते हैं कि इनके नाम के ठीक राइट हैंड साइड में ये देखिए ब्लू टिक लगा है ना। ये इनकी बायो है, ये बायो बोलते हैं, ये ब्लू टिक है। ये इनके नाम के सामने ब्लू टिक क्यों लगा है, आपके नाम के सामने क्यों नहीं लगा है? आपकी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, आप देख सकते हैं आपके नाम के सामने ब्लू टिक नहीं है, इनके नाम के सामने ब्लू टिक क्यों है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके नाम के सामने ब्लू टिक इसलिए लगा है क्योंकि इनको वेरीफाई किया गया होगा, इनको अपनी इस ब्रांड को, वो खुद में अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। तो आप अपने नाम के आगे अगर ब्लूटूथ लगवाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी ब्रांड को पॉपुलर करना पड़ेगा, आपको खुद को पॉपुलर करना पड़ेगा। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप पॉपुलर हो जाते हो, इन दैट केस यू विल बी वेरीफाइड बाय इंस्टाग्राम टीम, और उस केस में आपके नाम के सामने ब्लू टिक लग जाएगा। तो आपके नाम के सामने ब्लू टिक लग जाने का मतलब हो कि आप एक आइडेंटिफाइड पर्सन हो, आप एक यूनिक हो, है ना। आपकी एक यूनिक ब्रांड है, आपके नाम की, आपकी पर्सनैलिटी की, है ना, आपकी पिक्चर्स की, आपके प्रोफाइल की, फोटोज की, ठीक है। तो नो वन इज देयर लाइक यू, यू आर यूनिक। ये ब्लू टिक बेसिकली यूनिकनेस को शो करने के लिए लगा होता है ना। ये लगने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आप अगर आपके नाम के सामने ब्लू टिक लगा है इस तरीके का, इट मीन्स दैट कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। और लोग जो बड़े बड़े होते हैं या बड़े बड़े कंपनीज जो होती हैं या बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, वो आपके प्रोफाइल को पिक्चर देखते हैं और देखने के बाद हो सकता है अगर उनको आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगे तो आपका, सिंस चूँकि आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आप एक स्टार हो, ठीक है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके ज़रिए, और उसके बदले में आपको कुछ पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आप किसी भी दूसरे की ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, है ना, या फिर किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि ब्लू टिक का लगना एक तरीके से स्टार बना देने के बराबर है। तो अगर आप अपने आप को स्टार बनाना चाहते हो, अगर आप अपने नाम के सामने ब्लू टिक देखना चाहते हो, तो आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या कुछ भी यूनिक करके आपको अपने आप को पॉपुलर बनाना होगा। इन दैट केस योर नेम विल बी ब्लू टिक्ड लाइक एनीबडी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत आसान है, मोस्टली लोग जानते हैं इस चीज़ को, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, ये आप सब लोगों को पता है यार। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों को मैं बता दूँ, जिनको ये चीज़ नहीं आती है उनको पता चल जाएगी सिंपल। सो आई होप आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे जिनको ये चीज़ नहीं आती। सो आई विल मीट यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ और बताऊँगा। तब तक आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बी हैप्पी। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।